सो अभी के लिए मैंने क्या किया, अब आप देखोगे गाइस एक चीज ध्यान से, अब मेरे पास दो इंस्टेंसेस हैं एक ही सर्वर पर, एक का नाम है डिफॉल्ट इंस्टेंस और एक का नाम है एसक्यूएल सर्वर 01। ठीक है, दोनों के वर्जन में देख पा रहा हूँ, एक का वर्जन है 2095, एक का वर्जन है 20000, जो हायर वर्जन पे ये है। ठीक है, तो हम इसको भी क्या है तो पैच कर सकते हैं। तो गाइस जब भी आप कोई भी रिप्लिकेशन या कोई भी एचए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इंश्योर करो सबसे पहला प्रीरिक्विज़िट कि दोनों के वर्जन और एडिशंस और पैच लेवल सेम होना चाहिए। तो इट माइट कॉज सम अनएक्सपेक्टेड इश्यूज, जिसकी वजह से आप हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन के साथ प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। तो मैं चाहूँ तो इसके साथ जा सकता हूँ, नहीं तो मैं क्या इंश्योर करूंगा कि भैया मेरा इसका जो पैच है वो मैं इस पर अप्लाई कर दूँ। सो लेट मी ट्राई टू अप्लाई द पैच। ओके, लेट मी सी इफ आई हैव दिस। I'm not sure if I have this. Okay, so until this is going to start, we just ensure that what is the status of this. सो वी हैव आरटीएम वर्जन। सो आरटीएम का फुल फॉर्म होता है रिलीज टू मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर ने वर्जन दिया था वही वर्जन हम यूज कर रहे हैं। अब हम चाहें तो इसी क्वेरी से दूसरे इंस्टेंस पर कनेक्ट करके पता कर सकते हैं किसका क्या वर्जन है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर भी आरटीएम ही है, इसमें आरटीएम वर्जन लगा हुआ है और इसमें आरटीएम के अलावा एक केवी आर्टिकल और अप्लाइड है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन अपडेट देम। ठीक है, जनरली मोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस जिनके भी एनवायरनमेंट में मतलब डेटाबेस यूज करते हैं, हमेशा एक डॉक्यूमेंट बना के रखो, लाइफ साइकिल डॉक्यूमेंट बना के रखो, जिससे आपको एक आइडिया रहता है, उसके बेसिस पे आप अपने यूजर्स को अपने कस्टमर्स को इंश्योर करते हो, कम्युनिकेट करते हो कि ये आउट ऑफ लाइफ साइकिल हो रही है। इंश्योर करो कि आप पैचिंग को खुद ही हैंडल करो, मतलब बोलो कि नहीं ये आउट ऑफ पैच हो रहा है, तो कम से कम क्वार्टरली पैचिंग का प्लान रखो, जिससे आपकी बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें आपके इंटैक्ट रहेंगी। राइट, सो नहीं तो पैच करना रिक्वायर्ड रहता है क्या? मान हंड्रेड लो बहुत सारे हंड्रेड परसेंट प्रोडक्शंस और रिक्वायर्ड है, कुछ नहीं। बिकॉज व्हाई द कंपनीज आर गिविंग द पैच। अगर कंपनीज पैच क्यों दे रही हैं, आपको पता है कई जिस स्पीड पे कंपनीज पैच रिलीज कर रही हैं उससे कई ज्यादा स्पीड पे लोग डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं एनवायरमेंट्स को। इस तरह से जैसे पीछे एक वायरस आया था, एक ऐसा मालवेयर आया था जिसमें लॉक 4G करके एक आया था, तो इट वाज इंपैक्टिंग ओरिकल एंड DB2। तो हमने DB2 को एक रात में हमारे पास इतने इंस्टेंसेस सबको पैच किया कि भाई ऐसा ना हो कि वो अटैक हमारे एनवायरनमेंट पे आ जाए। सो वी पैच्ड एवरीथिंग इन सिंगल नाइट। लाइकवाइज ओरिकल में भी हमने पैच किया ऐसे ही। इसी के साथ क्या हुआ, इससे पहले किसी ने पता नहीं सुना है कि नहीं, एक सोलार विंड करके एक काफी बड़ी कंपनी है जिनकी जिनके जिनका काम है जैसे मॉनिटरिंग के केस में, मॉनिटरिंग टूल है, काफी काफी फेमस हो गया मार्केट में, नया स्टार्ट हुआ था। तो सोलार विंड का एक इसमें इनमें सेम करके एक इनका फीचर है जो ओरियन प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। वो प्लेटफॉर्म करीब महीना भर डाउन रहा था बिकॉज ऑफ सम मालवेयर, और उन्होंने पैच नहीं किया, उनके उनके पास उस तरह के वो नहीं थे। उसके वजह से कई ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्यों, हैकर ने उसमें लूप होल ढूंढ लिया था। तो अगर आप सारी चीजें इंटेक्ट करके रखोगे
तो ये आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, नहीं तो बहुत प्रेशर रहता है। तो आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, आप देखो यहाँ पे देखो, दिस आर्टिकल डिस्क्राइब द क्यूमुलेटिव अपडेट 16 फॉर द माइक्रोसॉफ्ट। दिस अपडेट कंटेंट 43 फिक्सेस। सो इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो जाती है, जब भी हम क्यूमुलेटिव अपडेट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का, कोई भी पैच अपडेट करते हैं, तो हमने पिछली बार भी आपको अपने लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, एक तो सिक्योरिटी फिक्सेस होते हैं और बग्स फिक्सेस होते हैं। बग फिक्स अगर आप नहीं भी करोगे तो इट्स ओके, मतलब कुछ चीज है जो एक्सपेक्टेडली बिहेव करना चाहिए नहीं कर रही है, दैट्स फाइन। बट सिक्योरिटी फिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा क्रिटिकल माना जाता है। तो इंश्योर करो एज इन DBA कि कोई सिक्योरिटी बग्स नहीं आ रही है, अगर आ रही है या कोई सिक्योरिटी पैचेस आए हैं तो इनको एटलीस्ट 30 डेज के मार्जिन पर पैच कर लो अपना एनवायरमेंट। ठीक है गाइस, मैंने अभी एक प्रोडक्ट सर्वर का पैच किया था तो उनका एप्लीकेशन चलने ही बंद हो गया था, तो हाँ रिवर्ट बैक किया पैच। डिपेंड करता है ना, कई बार एप्लीकेशन, कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशंस आर नॉट सपोर्टिंग इट, राइट। तो उसके उसका सबसे अच्छा तरीका होता है, अभी मैंने अपना लेक्चर स्टार्ट करने पे टाइम पे बताया था आपको कि आप उसका POC करो। और पैचिंग की साइकिल ऐसा नहीं कि आप साला सीधा प्रॉड पे स्टार्ट कर दो पैचिंग करना, इट्स नॉट लाइक दैट। सबसे पहले लोअर एनवायरनमेंट पैच किए जाते हैं, उसके बाद हायर एनवायरनमेंट पे जाया जाता है। तो जो सीक्वेंस होता है पैचिंग का, सबसे पहले टेस्ट पैच करो, सबसे पहले POC सर्वर पैच करो, देखो कि टेक्निकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, एप्लीकेशन तो बाद में आएगी, फिर उसके बाद एप्लीकेशन का टेस्ट सर्वर पैच करो, मतलब जो एप्लीकेशन जिससे टेस्ट सर्वर हो, कोई ऐसा एनवायरनमेंट हो, तभी तो ये मल्टी एनवायरनमेंट बनाए जाते हैं। नहीं तो डायरेक्ट प्रोडक्शन पे ही डाल दो तो फिर तो पता नहीं है ना कहाँ टेस्ट करेंगे, सारा कुछ इम्पैक्ट हो जाएगा ना। तो हमेशा लो इम्पैक्ट सर्वर्स पर पैच करते हैं, इसीलिए हमेशा पैचिंग साइकिल इस तरह से डिसाइड होती है। पहले नॉन प्रॉड एनवायरनमेंट पैच होता है, उसके 15 दिन बाद प्रॉड होता है। इन केस ऑफ कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, रोल बैक हो जाता है, या फिगर आउट करते हैं कि यार ये प्रॉब्लम हो सकता है इसकी वजह से ना हो, कोई और दूसरा कंपोनेंट हो जो प्रॉब्लम कर रहा हो, राइट। तो वो सारी एक चीजें इस तरह से काम करती हैं। पूछो। क्वेश्चन और है मेरा। जब हम किसी प्रोडक्शन सर्वर पर जाते हैं और विंडोज अपडेट वाले उसमें जाते हैं, तो उसमें यदि SQL का पैच दिखता है तो हम वहां से डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं कि हमको पैच अलग से ही निकाल के डालना पड़ता है, डालना चाहिए? डिपेंड करता है, अगर आप एक सिक्योरिटी के भी आर्टिकल आपको दिख रहा है, कई बार क्या होता है कई ऑर्गेनाइजेशंस में विंडो पैचिंग और MS SQL की पैचिंग एक साथ होती है। रीजन बीइंग क्योंकि वो विंडोज का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, वो एक साथ ही करते हैं, तो सारे पैच एक साथ आए और एक साथ रिलीज हो गए, एक साथ अप्लाई हो गए, जिससे क्या हो गया आपका ओवरहेड कम हो गया। तो आप वो भी कर सकते हो, बट क्यूमुलेटिव अपडेट में क्या है कि सारे पैच एक साथ अप्लाई हो जाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी पैच और द ऑपरेशनल पैचिंग, राइट गाइस। दोनों कर सकते हो, देयर इज नो मच। इसका साला डाउनलोड का ऑप्शन कहाँ है? कई बार ना हम लोग ये बना के रखे ना, इजी रहता है, मतलब ये सारे आर्टिकल्स। तो ये पढ़ने से थोड़ा सा हमें पता लग जाता है क्या क्या चीजें आई हैं, क्या क्या चीजें आएंगी, और क्या क्या फिक्स हुआ, क्या प्रॉब्लम चल रही थी। होता क्या है कि आपने, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने कभी टिकट खोला है वेंडर के साथ। टिकट का मतलब क्या होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कोई प्रोडक्ट रिलेटेड इश्यूज आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप वेंडर के साथ टिकट खोल देते हो। तो सबका अपना अपना एक सपोर्ट पोर्टल होता है, ठीक है, तो वहां पर आप टिकट खोलते हो। तो आप ऐसे टिकट नहीं खोल सकते कि नहीं वो क्लस्टर कॉन्फिगर करना सिखा दो, वो उसके लिए क्वालिफाई नहीं होता, बग या एरर्स के लिए टिकट खोले जाते हैं हमेशा, कि आपने जो स्टेप्स थे वो फॉलो करें लेकिन वो जो रिजल्ट आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। या फिर आप एडवाइजरी केस खोल सकते हो। एडवाइजरी केस का मतलब क्या होता है, कोई नया प्रोडक्ट आया है
और आप चाहते हो कि माइक्रोसॉफ्ट आपको इन्फॉर्म करे, बताए कि ये चीज हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो उस केस में आप एडवाइजरी केस खोलते हो। जैसे आप कोई नया फीचर यूज करना चाहते हो किसी भी एक प्रोडक्ट का, तो उस केस में आप एडवाइजरी केस खोल सकते हो। सो अब इस लेक्चर में आपको हम क्या करने वाले हैं, ये दो इंस्टेंस हमने डाल दी हैं, हम क्या चाह रहे हैं कि इनको पैच कर दें। तो अभी आरटीएम वर्जन पे थी, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसमें लेटेस्ट पैच डाल दूं, हॉट फिक्स डाल दूं, सो दैट इट विल बी बिकम्स इन द सेम लेवल। उसके अलावा हेलो सर, पैच इंस्टॉल करते हैं तो सारी जॉब्स ऑफ होनी चाहिए या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। देखो पैचिंग का सिनेरियो स्टैंड अलोन के केस में नॉर्मल होता है, देयर इज नथिंग डिफरेंट, कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको। हाँ, लेकिन क्लस्टर के सेट केस में आपके लिए अलग अलग स्टेप्स होते हैं। अगर आप क्लस्टर पर पैचिंग कर रहे हैं, देन यू हैव टू इंश्योर व्हाट, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू। आई मीन अगर आपने प्राइमरी पैच कर रहे हैं, क्लस्टर में दो नोड होते हैं अमूमन, कई बार तीन नोड के भी क्लस्टर होते हैं, जनरली हमने तो दो नोड के क्लस्टर देखते हैं, उस केस में एक्टिव एक्टिव नोड्स का कॉन्सेप्ट होता है, दोनों रिसोर्स को हम यूज कर लेते हैं, तो उस केस में अलग सिनेरियोस बनते हैं। बट स्टैंड अलोन के केस में लोग कहते हैं कि बैकअप ले लो, बट बैकअप का कॉन्सेप्ट तो यही है कि बैकअप हम चूंकि ऑलरेडी शेड्यूल्ड बैकअप चलते हैं, तो पैचिंग के दौरान बैकअप लेंगे तो फिर पैचिंग कब होगा? तो विंडोज तो लिमिटेड मिलती है हमें, तो आप जब लाइव पैचिंग करते हैं तो आपके पास लिमिटेड टाइम होता है पैचिंग के लिए, राइट? तो आप फिर कैसे लेंगे, राइट? तो उसका तरीका यही है कि आप प्री पैचिंग प्लानिंग कर लो। जनरली हम लोग क्या करते थे अपने एनवायरनमेंट में, बड़ी पैचिंग होती है तो हम अपने यहाँ बैकअप टीम हमारे यहाँ अलग होती है, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें बैकअप टीम अलग होती है, तो उनको उनके लिए टास्क खोलते थे बिफोर चेंज स्टार्ट, चेंज पे ही काम होता है, आप समझ रहे हो, क्योंकि आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कर रहे हो अपने एनवायरनमेंट में, देन यू हैव टू डू थ्रू द चेंजेस। चेंज के केस में पता नहीं आपके लिए नया होगा, क्योंकि आप लोग छोटे ऑर्गेनाइजेशन में इतनी सारी चीजें नहीं होती, आप तो सिंपल पूछते हो कस्टमर को, ठीक है पैच कर रहे हो गया। हाउएवर चेंज के केस में क्या रहता था, तो आप एक सर्टन टाइम पे ही पैच करेंगे, तो आपने कई बार देखा होगा आपके एनवायरनमेंट में, आपके मोबाइल पे कई बार मैसेज आता है इस तरह से कि भैया सिटी का कार्ड मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे पास मैसेज आता है बैंकिंग सर्विसेज विल बी नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग दिस टाइम टू दिस टाइम। तो वो क्या टाइम होता है, मेंटेनेंस टाइम होता है उनका, तो ये मेंटेनेंस टाइम कैसे डिसाइड होता है, ये इसी बेसिस पे डिसाइड होता है कि भैया इस टाइम पे सर्वर को पैच होना है, डेटाबेस पैच होना है, दिस कंसिडर एज एन मेंटेनेंस विंडोज, तो वो इसीलिए टाइम फ्रेम दिया जाता है, उससे पहले कर लो आप, उसके बाद करोगे तो वो इट्स बिकम्स अ इंसिडेंट, वो आपके केस में फिर इंसिडेंट बन जाएगा। अगर आपने सपोज करो आज संडे है, संडे को क्या होता है कि उन्होंने कहा चलो ठीक है बिजनेस इतना इम्पैक्टफुल नहीं है, मैं संडे की मॉर्निंग में ये सारी चीजें कर दूंगा, तो वो एक पैटर्न होता है कि ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि कब चेंज विंडो देना है। कभी भी वो जैसे सपोज करो सिटी इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, अब रात को लोग कहते हैं कि कम ही यूज करते हैं सपोज करो, तो उनके पास पैटर्न होता है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है इस दौरान चेंज विंडो ले लेते हैं, मेंटेनेंस विंडो ले लेते हैं और हम अपना काम कंप्लीट कर लेंगे उसी विंडोज में। तो हमेशा जितने भी चेंजेस होते हैं, ये पैचिंग होती है हमेशा चेंज विंडो में होती है पहले। दूसरा, जो भी पैच आप नया अप्लाई करते हैं हमेशा लोअर एनवायरनमेंट में करेंगे, इट्स नॉट डायरेक्टली टू प्रोडक्शन और एक्सेप्टेंस, इससे क्या होता है कि अगर कुछ बग होती है तो पता लग जाएगा। तीसरा बेस्ट प्रैक्टिस ये कहलाता है कि जब भी आप नया पैच अप्लाई कर रहे हैं तो इस नए पैच को ऐसे समझो एन वर्जन बोलते हैं, एन लेवल, एन का मतलब होता है लेटेस्ट, आप हमेशा एन जब भी लेटेस्ट आया उसका कम से कम 2 वीक का वेट करें। अगर कोई एरर रिपोर्ट करता है ऑल ओवर द ग्लोब तो कई बार क्या होता है उसमें कुछ करेक्शंस हो जाते हैं, उसका केबी आर्टिकल भी आ जाता है या फिर आपको पता लग जाता है ब्लॉक्स के थ्रू, नहीं नहीं इस वाले बग इसमें ये बग्स हैं, तो हमेशा हम 2 वीक का वेट करते हैं नए रिलीज के बाद। हाउएवर दे ऑल्सो हैव अ रिग्रेसिव टेस्टिंग टीम, वो सब कुछ टेस्ट करते हैं बट फिर भी यही एडवाइस करते हैं कि हम 1-2 वीक का वेट करें तभी हम लेटेस्ट वर्जन पर मूव करें और लोअर वर्जन से स्टार्ट, लोअर एनवायरनमेंट से स्टार्ट करें जिससे हमें पता लग जाए। सो नाउ अब हम फोकस करते हैं कि पैचिंग कैसे करते हैं। तो जैसे कि हमने दिखाया अभी हमने अपना पैचिंग का लेटेस्ट क्यूमुलेटिव अपडेट डाउनलोड कर दिया डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट की साइट से, इस वाली साइट से आप चाहो तो डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये वाली एक साइट और है, आप कहो तो मैं पिंग कर देता हूँ, बट जनरली इसकी एक बेसिक साइट है जिसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा, आई मीन कौन सा वर्जन चल रहा है, कौन सा वो चल रहा है, एक सीट
फॉर्मेट में। तो ये देखोगे आप, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाली साइट मैं एक काम करूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको दे दूंगा, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो कि कौन से वर्जन में क्या अपडेट हुआ। तो 2019 में आपके केस में क्या क्या चेंजेस हुए, कौन से वर्जन किस तरह से काम करें। तो अभी हम 2019 का जो हमारे पास करेंट लेवल है वो हम यहाँ पे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या क्या आ गया, अभी लेटेस्ट प्रोडक्ट वर्जन क्या आ गया, ये है, ठीक है गाइस। तो कई बार इंटरव्यू में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 15.042 आ गया और हम चल रहे हैं 200 पे, ठीक है, ये चल रहा है 4000 पे, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, अपडेट का एक विजार्ड खुलता है, सिंस ये एमएस एसक्यूएल में विजार्ड बेस्ड सेटअप्स होते हैं, तो ये आप खोल सकते हो। अब इसमें मुझे दिखा रहा है कि पैच करना है मुझे, तो मेरे पास ऑप्शंस होता है कि मैं एक टाइम पे सारी इंस्टेंस पैच कर लूं या फिर जो डाउन टाइम मिला है उसको पैच करूं। एक दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आपको एक साथ पैच करने का ऑप्शन हो गया। तीसरा, जितनी भी डेडिकेटेड सर्विसेज हैं वो तो आप पैच कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोचो कि नहीं मैं को इंस्टेंस पैच नहीं करना है, केवल डेडिकेटेड सर्विस के एक शेयर्ड फीचर पैच करना है, तो वो भी आप पैच कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट अनचेक्ड होते हैं, वो पैच करना ही करना है अगर आप कर रहे हो। तो अपने केस में हम दोनों इंस्टेंसेस को पैच कर रहे हैं, तो आप उसको हटा सकते हो, एक इंडिविजुअल इंस्टेंस को भी पैच कर सकते हो, एक साथ दोनों इंस्टेंस को भी पैच कर सकते हो, और केवल शेयर्ड फीचर भी पैच कर सकते हो। शेयर्ड फीचर्स का मतलब क्या होता है कि आप इस फीचर्स को इस इंस्टेंस के लिए भी यूज करोगे, इन फीचर्स को इस इंस्टेंस के लिए यूज करोगे, इट इज शेयर्ड अमंग विद ऑल द इंस्टेंसेस, ठीक है। लाइकवाइज देखते हैं कि इसमें क्या पड़ा है हमारे पास, पैच लेवल 2095, उसमें पड़ा है 2000, राइट, और शेयर्ड फीचर भी हमारा 2095 का लेटेस्ट वर्जन का है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो ये चेक करेगा, चेक फाइल करेगा, चेक चेक करने के बाद बताएगा कि भाई क्या स्टेटस है, चाहो तो आप इसको आगे भी ले जा सकते हो। अब अंटिल वो चेक कर रहा है तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होने वाला है, रेडी टू अपडेट। तो क्या क्या अपडेट करेगा वो, जनरल कॉन्फ़िगरेशन एमएस एसक्यूएल सर्वर के, ये दोनों फीचर्स हैं जिनको वो अपडेट करेगा, ठीक है। इसमें भी ये डेटाबेस सर्विसेज को अपग्रेड करेगा, ठीक है। अब हम अपडेट पे चलते हैं, तो दिस इज कंप्लीट पैचिंग प्रोसीजर, ठीक है। पर सबसे पहले आपको पैकेज डाउनलोड करना है, पैकेज डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उसको लोकल डायरेक्टरी में सेव करना है। कई बार क्या करते हैं लोग, बड़े एनवायरनमेंट में शेयर डायरेक्टरी में सेव होता है, वहीं से पैकेज चला देते हैं, विच इज नॉट गुड। आपको क्या करना है, उसको लोकल सर्वर पे जिस पे आपको पैचिंग करनी है उस पे एक डाउनलोड करो, और मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा आप बाइनरीज के लिए एक फोल्डर बना के रखो, जिससे क्या होगा आप वहां से डायरेक्ट फटाफट पैच कर लो, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा, आप तुरंत जाओ पैकेज डाउनलोड करो, पैकेज डाउनलोड करने के बाद उसको जिन जिन सर्वर पे पैचिंग डालनी है उन सर्वर पे लोकल सिस्टम पे डाल दो, ठीक है, और इस तरह से आप पैच कर लो, ठीक है। और एक टाइम पे अगर आपके पास एक से ज्यादा सर्वर है तो आप मल्टीपल सेशन ऑन करके उनको पैच कर सकते हैं। तो एक सर्वर पर पैचिंग स्टार्ट कर दो एक साथ, फिर दूसरे सर्वर पर लगा दो, जिस तरह से आप सारी पैचिंग कर सकते हो एट अ टाइम, और ये स्टैंड अलोन पैचिंग आपकी अप्लाई हो जाती है इसमें, ठीक है। पैचिंग क्लियर है, ये इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब डिपेंड करता है, पैचिंग के दौरान हो सकता है आपको कुछ इश्यूज आए, ये काम तो L1 भी कर सकता है, लेकिन अब इशू आ जाते हैं किसी कारण से चल नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, देन ट्रबल शूटिंग रिक्वायर्ड होती है। तो कई तरह के इश्यूज हो सकते हैं, वो आप लोग चाहो तो अपने एनवायरनमेंट में या मार्केट में या ब्लॉक्स में आप चेक कर सकते हो कि किस तरह के इश्यूज आते हैं पैचिंग के दौरान। फॉर एग्जाम्पल पैचिंग के दौरान आपको हो सकता है परमिशन इश्यूज आए, ठीक है, वो सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो ये मैंने एक सीट डाउनलोड की थी जिसमें ये है कि केवी आर्टिकल में क्या डिस्क्रिप्शन था और क्या किया उसमें, उसका फीचर्स था, उसमें फिक्सिंग क्या है, ये पैचिंग के दौरान हम पता कर सकते हैं सीट से,
मतलब इसमें ऑनलाइन ये दे देते हैं, कौन से देख सकते हो 2019 के वर्जन्स में क्या क्या चेंजेस आए, तो ये एक प्रॉपर सीट है, वो डाउनलोड कर सकते हो या पोर्टल से भी, ठीक है। तो लेटेस्ट वर्जन का CU18 है, कब रिलीज हुआ, सेप्टेम्बर में हुआ, ठीक है ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो फटाफट, यहाँ पे देखो ये GDPR रिलीज किया इन्होंने, ठीक है। कुछ GDPR जो यूरोप यूरोपियन कंट्रीज है ना, जो डेटा गाइडलाइन होती है वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इस सीट से आपको पता लग जाएगा कौन सा रिलीज कब हुआ। ये नवंबर 2019 में आया था, इसका एक्चुअल वर्जन RTM, फिर इसका GDR वर्जन आया, फिर इसके क्यूमुलेटिव वर्जन फर्दर आते गए। इस डेटा के बेसिस पे आप ये इंश्योर कर सकते हो कि हमें किस फ्रिक्वेंसी में पैचिंग करनी है। देखो नवंबर में रिलीज हुआ, फिर उसके बाद जनवरी में आ गया, दो महीने में, फिर फरवरी में नया रिलीज हुआ आ गया, फिर मार्च में आ गया, जबकि मार्च में फिर एक और आ गया, फिर मार्च के बाद फिर अप्रैल मई फिर जून में आया, तीन महीने में। तो एक मोटा मोटा आप इंश्योर कर सकते हो। जून के बाद कब आया, जुलाई अगस्त, अगस्त में आ गया। तो आप देख रहे हो सितंबर अक्टूबर जनवरी, ऑलमोस्ट हर महीने में आ रहा है, और एक सर्टेन टाइम के बाद जब ये स्टेबल हो गया प्रोडक्ट, तो इसका तीन महीने, जून के बाद सीधा अगस्त में आया, अप्रैल के बाद जून में आया, थोड़ा स्टेबल हो गया, राइट। तो अब देखो अगस्त में भी आया, सितंबर में भी आया। तो जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी ज्यादा कई बार कंपनीज जल्दी जल्दी अपने इश्यूज दे देते हैं, तो कई इन्वायरमेंट में कई कंपनीज में मंथली पैचिंग का भी प्लान होता है। बट मैं यही कहता हूँ कि भैया क्वार्टरली कर रहे हो, क्योंकि काम इतना होता है करने के लिए, तो क्वार्टरली पैचिंग भी करोगे तो चल जाएगा। तो हम क्वार्टरली पैचिंग प्लान बनाते थे, बट आप मंथली भी चाहो तो कर सकते हो। तो आप देख रहे हो पैटर्न, तो मंथली भी पैचिंग हो रही है, मंथली भी पैचेस आ रहे हैं, राइट। तो ये एक 10 से 12 मिनट का प्रोसीजर है जिसमें आप कर लोगे, ठीक है। तो आज की डेट में हमने क्या क्या चीज कर ली, हमने एक इंस्टेंस देखो, अभी पैचिंग के दौरान हमारी इंस्टेंस डाउन हो गई, देख रहे हो आप। तो ये एक सीरियल प्रोसीजर है, पहले ये इंस्टेंस को पैच करेगा, इसको करने के बाद इसको करेगा, एक सीरियल प्रोसीजर में करेगा। तो अभी इंस्टेंस आ रही है, अब जब आपकी पैचिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको ये लेटेस्ट वर्जन पे दिखाई देने लग जाएगा। तो होपफुली इट इज हेल्प टू यू गाइस, राइट।